हाय, विकी ब्रांड में आपका स्वागत है, जहां मैं बिजनेस तथा इससे जुड़े मुद्दों को आपके सामने आसान शब्दों में प्रस्तुत करता हूं। मेरा नाम है हमराज कुमार। विकी ब्रांड के एक नए सीरीज इनक्रेडिबल इंडियन ब्रांड्स में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं वैसे भारतीय कंपनीज और ब्रांड के बारे में बात करूँगा जिसने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वैसे कंपनी जिसने भारत को बुरे दौर से निकाला तथा आम भारतीयों को सपना देखना सिखाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 19वीं शताब्दी में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुई। बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसे बाद में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक थे। इसके अलावा 2 प्रेसिडेंसी बैंकों में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास शामिल थे। इन तीनों बैंकों के पास कागजी मुद्रा जारी करने का विशेष अधिकार प्राप्त था, परंतु 1861 में कागजी मुद्रा अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा यह अधिकार वापस ले लिया गया। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करके इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया और तब से यह इसी नाम से जाना जाता है। 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई का स्टेक अपने नाम कर लिया ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस दौरान एसबीआई ने कई बैंकों को अपने साथ मर्ज किया, जिसमें 8 बैंक वैसे थे जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा चलाए गए थे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ बिहार, बैंक ऑफ लाहौर, कृष्णाराम बालदेव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शामिल हैं। एसबीआई के पास पूरे भारत में 24,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 36 देशों में लगभग 191 ब्रांचेज हैं, जिसमें कुछ प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बहरीन, कनाडा, चाइना, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं। 31 मार्च 2017 तक एसबीआई के पास 59,291 एटीएम पूरे भारत में फैले हुए थे। एसबीआई के पास कुल एम्प्लॉय की संख्या 245,652 है, जो कि इसे भारत का 5वां सबसे बड़ा रोजगार मुहैया कराने वाली कंपनी बनाती है। इसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 26% है, जो कि दूसरे कंपनी की तुलना में एक बेहतर नंबर है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एसबीआई के हर एक एम्प्लॉय ने लगभग 8,28,000 का मुनाफा कंपनी को कमा कर दिया। एसबीआई के नॉन बैंकिंग सब्सिडीज में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई म्यूचुअल फंड शामिल हैं। मार्च 2021 तक एसबीआई के पास टोटल एसेट्स लगभग $640 बिलियन का था और रेवेन्यू $51 बिलियन का था, जिसमें नेट इनकम लगभग $2.9 बिलियन का था। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड का AUM लगभग 5,04,000 करोड़ रुपये का था। एसबीआई का शेयर होल्डर पैटर्न मार्च 2022 तक कुछ इस प्रकार है। प्रमोटर के पास 57.59% शेयर हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास 13.16% शेयर हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 11.5% शेयर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 9.97% और रिटेल इन्वेस्टर के पास 7.78% शेयर्स हैं। एसबीआई ने कई कंपनियों और बैंकों में इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिसमें येस बैंक लिमिटेड, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं। वैसे मार्च 2022 तक एसबीआई का लगभग 122,570 करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है।